नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं आप सब। और आज के इस वीडियो दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूं एक 50 इंच के 4K टीवी के बारे में। अब देखो, टीवीज क्या है ना, आजकल बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं, एंड उस इंप्रूवमेंट का कारण दोस्तों कंटेंट ही है। अब देखो, एक टाइम था जब हमारे टीवी पे हम अपना बस सेटअप बॉक्स लगाते थे और वहां पे कंटेंट देख लेते थे, लेकिन अब आपके घर में एक बहुत ही बढ़िया इंटरनेट स्पीड का अवेलेबिलिटी होती है, राइट। हम फाइबर कनेक्शंस आ गए हैं, 100 Mbps, 1 Gbps आ गए हैं, एंड उसी के साथ साथ दोस्तों 4K कंटेंट भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप जाके देखें, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, हॉटस्टार हो गया, वहां पे आपको 4K कंटेंट भी दिखता है। तो ऐसे में दोस्तों आप चाहेंगे कि आप अपनी फैमिली के साथ जब टीवी देख रहे हैं तो भाई वो टीवी बढ़िया होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम उसमें जो कॉस्टिंग लगे वो इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब फीचर्स चाहिए सारे के सारे, एंड वहां पे कॉस्टिंग दोस्तों हमको चाहिए थोड़ी कम। तो आज दोस्तों ऐसे एक टीवी के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कि लाया हमारे लिए OnePlus। चलिए दोस्तों, मैं आपको 5 फीचर्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये टीवी आपके लिए बना है या नहीं। तो आइए पता लगाते हैं इसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं हम टेक की बात, गाइडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारे पास टीवी है वो है OnePlus की तरफ से, OnePlus टीवी 50 इंच का Y1S Pro, एंड ये दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया वैल्यू फॉर मनी टीवी है। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम करते हैं बात डिजाइन से, बिकॉज जो टीवी होता है ना, इट इज जस्ट नॉट अ ब्लैक स्क्रीन, राइट। आई मीन आप जब उसे अपने लिविंग रूम में लगाते हैं तो एक अच्छा खासा एक एरिया लेता है आपके लिविंग रूम का, और हम सब चाहेंगे कि भाई वो एरिया जो है वो अच्छा भी दिखे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कंपनी की तरफ से वही सिग्नेचर बेजललेस डिजाइन देखने को मिलता है, एंड उसी के साथ साथ आपको एक स्टर्डी बेस स्टैंड भी देखने को मिल जाएगा। अब देखो, प्रीमियम डिजाइन अगर आप देखें तो तीनों के जो बेजल्स हैं वो कम है, एंड नीचे आपको एक बहुत ही बढ़िया OnePlus की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, जिससे कि टीवी आपके लिविंग रूम में काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बिकॉज दोस्तों बेजल्स कम है तो आपको एक्सेलेंट स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलते हैं, एंड इसी के साथ साथ दोस्तों जो डिजाइन है इट इनेबल्स यू टू व्यू द कॉन्टेंट विदाउट एनी इश्यूज। अब अगर मैं पोर्ट्स की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको ईथरनेट पोर्ट मिल जाएगा, उसके साथ साथ ऑप्टिकल ऑडियो इन जो पोर्ट होता है वो आपको मिल जाएंगे। 3 HDMI पोर्ट्स हैं जिसमें से एक ERC है, उसके साथ साथ आपको 2 USB 2.0 पोर्ट मिलते हैं, एक RF और एक ऑडियो वीडियो का जो पोर्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। सो ऑन एंड ऑल दिस इज अ डिजाइन दैट वर्क्स, एंड एट द सेम टाइम फॉर द प्राइस दैट यू आर पेइंग आपको एक अच्छा पैनल, एक अच्छा स्क्रीन, बहुत ही कम बेजल्स, एंड एट द सेम टाइम दोस्तों अगर आप रिमोट का भी डिजाइन देखते हैं, बिकॉज डिजाइन इज जस्ट नॉट अबाउट द टीवी, जो रिमोट का डिजाइन है वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़िया डेडिकेटेड आपको यहाँ पे बटन्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि नेटफ्लिक्स के हो गया, हॉटस्टार के लिए हो गया, प्राइम के लिए हो गया। उसके साथ साथ अगर आप इसमें देखें तो आपको OnePlus का जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में आगे जाकर के बात करूंगा, वो भी दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों डिजाइन के मामले में काफी बढ़िया, एंड एट द सेम टाइम काफी ज्यादा प्रीमियम डिजाइन है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों डिस्प्ले के बारे में, विच इज दी वन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जब आप टीवी देखते हैं, बिकॉज आप जो टीवी देख रहे हैं तो वही दोस्तों आपको 99% दिखता है। अब यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो आपको 50 इंच का एक 4K UHD पैनल मिलता है जो कि 10 बिट कलर डेप्थ सपोर्ट करता है, उसी के साथ साथ आपको HDR10+, HDR10 एंड HLG फॉर्मेट्स का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब यहां पे दोस्तों जो हाईलाइट है वो है इनका एडवांस गामा इंजन जो कि HDR कंटेंट को भी HDR जैसा दिखाता है। तो दोस्तों अगर आप कोई कंटेंट देख रहे हो जो HDR फॉर्मेट में, तो वहां पे भी क्या करता है ना कि जो गामा इंजन है वो उस पर्टिकुलर मतलब हर एक सीन, मतलब समझ लो कि हर एक सीन में दोस्तों वो इंजन अपना जादू दिखाएगा, एंड वहां पे वो अपलिफ्ट करके उसको HDR बनाने की कोशिश करता है जहां तक हो पॉसिबल। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपको MEMC की टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलती है, जिससे कि जो कंटेंट होता है वो काफी ज्यादा स्मूथ देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर मैं आपसे व्यूइंग एंगल की बात करूं तो वो भी काफी ज्यादा बढ़िया है, अगर आप एक लिविंग रूम में अपनी फैमिली के साथ देख रहे हैं तो आपको व्यूइंग एंगल्स में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, एंड यू विल फाइंड इट कि भाई जितना सामने है उतने आपको एंगल से भी देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों आप जब इस टीवी पे नेटफ्लिक्स में देख रहे हैं, प्राइम वीडियोस में देख रहे हैं, तो आपको वो जो अमेजिंग पिक्चर क्वालिटी है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, एंड जैसा कि मैंने आपको बताया HDR वगैरह यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से सपोर्ट करता है, एंड ये सारे के सारे एप्स में आप वो देख पाएंगे। सो स्मार्ट टीवी विद अ गुड डिस्प्ले, राइट। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों साउंड की तरफ, तो इस टीवी में जो आपको साउंड मिलता है ना, दैट एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्स द डिस्प्ले, एंड यहाँ पे OnePlus टीवी Y1S Pro में आपको मिलता है 24 वॉट का कंबाइंड ऑडियो आउटपुट।
और दोस्तों यहां पे मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि ये फुल रेंज स्पीकर्स होते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही बढ़िया क्लैरिटी, नेचुरल साउंड और इवन मैक्स वॉल्यूम पे भी दोस्तों इतना ज्यादा डिस्टॉर्ट नहीं करता है। एंड डिड आई मेंशन दोस्तों कि ये डॉल्बी ऑडियो भी सपोर्ट करता है? जी हाँ दोस्तों, वो डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल दोस्तों, अगर आप एक लिविंग रूम में मूवीज देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो जो फुल रेंज ऑफ साउंड आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, विच इज क्वाइट गुड। ऑफ कोर्स दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑप्टिकल आउटपुट का ऑप्शन मिलता है, तो अगर आप साउंड बार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दैट इज एन ऑप्शन। आपको HDMI R का भी सपोर्ट मिलता है, तो इफ यू गो फॉर साउंड बार जहाँ पे HDMI R का सपोर्ट है, दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। बट अगर आप वो नहीं लगाना चाहते हैं, तभी भी दोस्तों यू गेट अ डिसेंट साउंड क्वालिटी विद गुड सपोर्ट। दोस्तों चौथा रीजन है यहाँ पे स्मार्ट कनेक्टिविटी का, जो आपको OnePlus TV Y1S Pro में देखने को मिलती है, एंड जिससे दोस्तों इट इज जस्ट नॉट अ 4K टीवी बट अ रियल स्मार्ट 4K टीवी, जो कि आपके लाइफस्टाइल के साथ ब्लेंड हो जाता है। अब यहां पे दोस्तों मैं सीमलेस कनेक्टिविटी क्या हाईलाइट करना चाहूंगा, जो कि आपको OnePlus Watch एंड OnePlus Buds के साथ भी मिलती है इस टीवी में। इसी के साथ साथ दोस्तों यहां पे आपको OnePlus कनेक्ट 2.0 का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, जिससे कि आप अपने स्मार्टफोन को पेयर कर सकते हो एंड यूज इट एज अ फुल फ्लेज्ड रिमोट कंट्रोल। इसी के अलावा आपको यहाँ पे Android 10 का सपोर्ट मिल जाता है विद ऑक्सीजन प्ले 2.0। एंड ये जो ऑक्सीजन प्ले ना दोस्तों, इसमें आपको बहुत सारे कंटेंट जैसे कि एकदम स्क्रीन के सामने देखने को मिल जाएंगे, एंड इट विल बी अ गुड रिकमेंडेशन ऑन व्हाट यू कैन वॉच नेक्स्ट। सो आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ऑल द कंटेंट विल बी राइट देयर। एंड आप इसको एक टैप में, अगर आप अपने रिमोट के एक बटन को बस दबाते हो, तो ये जो ऑक्सीजन प्ले है ये हाईलाइट होकर के आ जाएगा। तो इन सारी चीजों के कारण दोस्तों, ये सिर्फ एक नॉर्मल 4K टीवी वाला स्क्रीन नहीं है। अगर आप एक OnePlus इकोसिस्टम में है, तो इट इज अ वेरी ग्रेट गुड थिंग। ऑफ कोर्स आप यहाँ पे दूसरा जो OnePlus का जो ऐप है वो भी आप डाल सकते हैं, विच विल मेक योर एंटायर एक्सपीरियंस वेरी स्मार्ट। एंड ऑफ कोर्स दोस्तों, जो पांचवा रीजन है खरीदने का, वो है इस पर्टिकुलर टीवी की प्राइसिंग। तो ये जो दोस्तों टीवी है, ये काफी अफोर्डेबल प्राइसिंग में आ जाता है, एंड द प्राइस दैट यू आर पेइंग फॉर दिस पर्टिकुलर टीवी हाईलाइट्स, मतलब अगर आप देख रहे हैं उसके अगेंस्ट कि भाई डिस्प्ले कैसा है, डिजाइन कैसा है, साउंड कैसा है, आपको बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगेगा। अब इस टीवी के दोस्तों जो प्राइसिंग है और जो भी ऑफर्स है, मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी जानकारी दे दूंगा, जहां से आप क्लिक करके इस टीवी को खरीद सकते हैं। और अगर आप एक्स्ट्रा कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं कि भाई आशीष, इस टीवी में अगर मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो आप ये सारी चीजें दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अब ऑफ कोर्स दोस्तों, इस टीवी को यूज करते समय मुझे काफी बढ़िया लगा, एंड आई एम श्योर इस वीडियो के बाद आप भी कन्विंस हो जाएंगे कि इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड टीवी जो कि इतनी ज्यादा प्राइसिंग ना, मतलब बहुत ज्यादा महंगा ना हो, बट एट द सेम टाइम आपको वहां पे कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत ना हो, तो आप इस टीवी को कंसिडर कर सकते हैं। भाई वीडियो पसंद आया तो भाई थम्स अप जरूर दे देना, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबाएं। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।